देखा आपने किस तरह ये जहाज सड़क से उड़ान भर रहे हैं। ये दिलचस्प तस्वीरें सुल्तानपुर जिले की हैं। बहुत जल्द जिले की सड़क पर हवाई जहाज उतारे जाएंगे, जिसके लिए प्रैक्टिस भी शुरू कर दी गई है। इन हवाई जहाजों ने जब सड़क को रनवे बनाकर उड़ान भरी तो सभी ने दिल थाम लिए और बहुत जल्द सुल्तानपुर जिला इस बदलते हुए इतिहास और वक्त का हिस्सा बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम डिशन। हवा में उड़ते जहाज और जमीन पर मौजूद अधिकारियों की मौजूदगी उस वक्त का इंतजार कर रही है जब इस हाईवे को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हैं। इस एक्सप्रेसवे पर आने वाले वक्त में जहाज उतारे जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या और आजमगढ़ समेत कई जिलों के लंबे सफर को बहुत कम कर देगा। इस हाईवे को बनाने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस हाईवे पर हवाई जहाज उतारने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इस हाईवे पर न सिर्फ जहाज उतर सकेंगे बल्कि उड़ान भी भर सकेंगे। आगामी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के साथ ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुभारंभ के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद पीएम मोदी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने अधिकारियों के साथ साथ खुद सीएम योगी सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई पट्टी का जायजा लेते हुए पूरे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सीएम योगी की मौजूदगी में पायलट ने प्रैक्टिस के तौर पर हाईवे से उड़ान भरी और करतब करके दिखाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे महज एक हाईवे नहीं बल्कि योगी सरकार का सबसे बड़ा सपना है, जो आने वाली 16 नवंबर को पूरा होने जा रहा है। इस सरकार के लिए यह हाईवे मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।